गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार। एनआईए एटीएस की विशेष अदालत ने मुर्तजा को दोषी करार दिया। दोषी मुर्तजा की सजा पर 30 जनवरी को होगी सुनवाई। 4 अप्रैल 2022 को मुर्तजा के खिलाफ हुआ था केस दर्ज। राजस्थान में सीएम योगी बोले, सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म, अगले साल तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। अगर किसी कालखंड में हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया तो उनकी पुनर्स्थापना का अभियान चले। शिक्षा के स्नातक एमएलसी चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज थम जाएगा शोर। भाजपा सपा दोनों ने किया जीत का दावा। दिल्ली की तर्ज पर पश्चिमी यूपी में बड़े आंदोलन का आगाज। विभागियों का सरकार के खिलाफ आज से बड़ा आंदोलन। किसानों के मुद्दों पर गरमाएगी सियासत। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लखीमपुर खीरी के बजाज चीनी मिल पर गन्ना किसानों का धरना जारी। किसानों ने अपने खून से सीएम को लिखा पत्र। स्वतंत्र देव सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार। साधु संतों की तुलना आतंकवादी से करने वाले बयान पर कहा सपा बसपा, शासनकाल में धार्मिक स्थलों को बनाया जाता था निशाना। सपा विधायक नाहिद हसन का कोच ने किया दोषमुक्त। कैराना में बिजली विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमला करने का था आरोप। सपा विधायक के साथ दूसरा आरोपी भी कोर्ट से बरी। मंत्री जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद मौसम में फीता काट करके उद्घाटन। मुलायम को मिलने वाले सम्मान पर कहा मुलायम ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली, सम्मान में नहीं होता कोई भेदभाव। महोबा में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया इन्वेस्टर्स समिट। निवेशकों में दिखा खासा उत्साह। 65 इन्वेस्टर्स कार्यक्रम में शामिल हुए जिनमें 28 ने एमओयू साइन किया। बिजनौर में कैदी की मौत का मामला। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने परिजनों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। कमाल के इलाज के दौरान 14 जनवरी को हुई थी मौत। पूर्व आरएलजी विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में फैसला सुरक्षित। सोमवार को सुनाया जाएगा फैसला। लखनऊ और आगरा में हुए हादसे के बाद औरैया जिला प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। नगरपालिका ने 3 दिन में जर्जर मकान खाली करने के दिए निर्देश। नोटिस जारी किया, जर्जर मकानों को किया जाएगा ध्वस्त। गोरखपुर सिकंदराबाद जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में हुआ टेक्निकल फॉल्ट। इंजन में खराबी से जालौन में करीब 2 घंटे स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन, यात्री परेशान। सोनभद्र में अनियंत्रित बाइक सवार ने बच्चे को मारी टक्कर। अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, बाइक सवार भी घायल। बुलंदशहर में 62 वर्षीय महिला बीडी से सदस्य सतवीरी की हत्या। घटना के समय घर में अकेली थी महिला। भतीजे ने पैसे की लालच में किया था मर्डर। गाजियाबाद में रील बनाने के चक्कर में बीच सड़क पर पुलिस बैरियर हटाकर युवक ने किया डांस। गाड़ी में तेज आवाज में डेक चलाकर किया हंगामा, वीडियो वायरल। पुलिस का खौफ भी नहीं दिखा। बस्ती में कांग्रेस के अभियान के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। माला को लेकर 2 कार्यकर्ताओं के बीच हुई जमकर बहस। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित था हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विश्वपीठ के छात्रों का हंगामा। विषय बदलने की मांग पर जताया विरोध। कहा प्रवेश के दौरान कहा गया था कि बाद में विषय बदल सकते हैं। अमेठी में घर के बाहर छप्पर में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। आज राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी भिलवाड़ा में गुर्जर समाज को साधेंगे। भगवान देव नारायण के अवतरण महोत्सव में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एनसीसी की सालाना रैली को करेंगे संबोधित। 75वें स्थापना दिवस पर 75 रुपए का विशेष सिक्का करेंगे जारी। राहुल की सुरक्षा में चूक पर आरोप प्रत्यारोप के बाद आज पुलवामा से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। महबूबा मुफ्ती भी होंगी शामिल। कर्नाटक में फिर से कमल खिलाने के मिशन पर अमित शाह। आज हुबली धारवाड़ और बेलगाम में कई कार्यक्रम, रोड शो और रैली।
आज मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में शाम 7 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे छात्र। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरस की ओर से किया जा रहा आयोजन, प्रशासन ने नहीं दी है स्क्रीनिंग की परमिशन। डीजीसीए ने गो एयर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, 55 यात्रियों को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर ही छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ा गया था विमान, जांच में गो एयर की कम्युनिकेशन में दिक्कत का पता चला। माता वैष्णो देवी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, त्रिकुटा पहाड़ी समेत इलाके कई इलाकों में कोने कोने पर सीसीटीवी की नजर। अगले महीने फिर भारत आएंगे चीते, 12 चीते देगा दक्षिण अफ्रीका, मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे ये चीते। पिछले साल नामीबिया से कोनो नेशनल पार्क लाए गए थे 8 चीते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज से 3 दिन के युवा महोत्सव का आगाज, 3 दिनों तक नृत्य खेल समेत 38 विधाओं से गुलजार रहेगी राजधानी रायपुर। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और छलांग, डीआरडीओ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का किया गया सफल परीक्षण। हिमाचल प्रदेश में फिर बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 29 और 30 जनवरी यानी कल और परसों हिमाचल में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में बड़ी सर्दी, पहाड़ी इलाकों में कल से बर्फबारी के नए दौर का अलर्ट। दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड के बीच हो सकती है बारिश। सतपाल महाराज लोक निर्माण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक, जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की करेंगे समीक्षा, 3 बजे ये बैठक। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी में खेल महाकुंभ का करेंगे आगाज, हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम में किया जाएगा आयोजन। पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर तेज की तैयारी, पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर 1364 भी किया जारी। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत का बयान, 26 अप्रैल को नहीं खुलेंगी केदारनाथ मंदिर के कपाट, शिवरात्रि के दिन तय होगी कपाट खुलने की तारीख, गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रुड़की में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला, केंद्र सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी, भाजपा पर उठाए सवाल। उत्तरकाशी में माघ मेला खत्म होते ही नगर पालिका मैदान पर प्रशासन ने लगाया ताला, मेला में बाहर से आए व्यापारी परेशान। नैनीताल के होटल में लगी आग पर घंटों बाद पाया गया काबू, होटल के ऊपरी मंजिल खाक, होटल मालिक का घर और होटल के कुछ कमरे जले। उधम सिंह नगर के जंगल में मिली नकली मिठाई बनाने का कारखाना, हल्द्वानी रुद्रपुर की बड़ी दुकानों पर होती थी सप्लाई। रुद्रप्रयाग में परचून के दुकान में चल रहा व्यापारी बेच रहा था अंग्रेजी शराब, आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर शराब किया बरामद। हल्द्वानी में शहर के बीचों बीच बन सकता है सिटी फॉरेस्ट, वन विभाग और हल्द्वानी नगर निगम की कवायद तेज, कुमाऊं कमिश्नर ने सिटी फॉरेस्ट की प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में बंटवारे पेपर लीक मामला, एसआईटी ने लश्कर के रहने वाले रिटायर्ड टीचर को किया गिरफ्तार, अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करने वाले सेंटर तक ले जाने का आरोप। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।